मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया कुछ अराउंड 2009, जो 2 महीने की छुट्टी होती है स्कूल की, उसमें पापा ने मेरा एडमिशन कराया ये समर कैंप करके, कुछ एडवर्टाइजमेंट आई थी अखबार में, तो मैंने और मेरे भैया का दोनों का एडमिशन करा दिया था उन्होंने। मैं ललित यादव, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं बॉलिंग में ऑफ स्पिन करता हूँ और मेरे को दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल सेलेक्ट किया है। मैं नजफगढ़ में रहने वाला हूँ जो कि दिल्ली में आता है और ये मेरा पहला आईपीएल। ललित को पैशन था खेलने का शुरू से ही, काफ़ी वो मतलब एक्टिव था, काफ़ी रनिंग वगैरह करता था, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करता था, तो इसको काफ़ी से ही तभी से लगाव था। मतलब पापा एक की फीस अफोर्ड कर सकते थे तो उसमें भी हमें कुछ छोटा स्कॉलरशिप वगैरह डिस्काउंट दे दिया था सर ने, तो वहाँ से फिर पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया है हर तरीके से। पहले ललित विकेट कीपिंग करता था, लेकिन फिर बाद में मैंने इसकी बॉल देखी तो बॉल अच्छा डालता था ये, तो फिर जब से ही ललित ऑलराउंडर हो गया था। शुरू में जैसे विकेट कीपिंग करता था तो मैं उसमें इतना अच्छा नहीं था, तो फिर जैसे ट्रायल्स वगैरह पे जाता था तो नाम नहीं आता था, तो थोड़ा डिसहार्टेड हो जाता था। बस ऐसे चलता रहा। फिर एक बार जैसे अंडर 14 स्कूल नेशनल्स होते हैं तो उसके ट्रायल्स देने गया था, सबसे पहला ट्रायल्स था मेरा वो, तो वो खेला, मैं सेलेक्ट हो गया था। फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हुई कि मेरा नाम कट गया था, तो फिर उससे पापा काफ़ी मतलब डिप्रेस्ड हो गए थे। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि मैं गया हुआ था ट्रायल्स के लिए, तो पापा को बताया पापा नाम आ गया, कल मुंबई जाना है, सुबह 4 बजे की ट्रेन है। इतने तक पापा ने एक्साइटमेंट में, हमारे नजफगढ़ की बूरे की बर्फी काफ़ी मशहूर है तो वो मतलब अकेडमीज में और आसपास सब जगह बांट दी थी, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैं पहला ट्रायल दिया और मैं उसी में सेलेक्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद सीधा रात को फ़ोन आता है कि आपका नाम नहीं है, तो उससे सब लोग थोड़ा सा डिप्रेस से हो गए थे। वहाँ से फिर थोड़े से मैं भी और पापा भी काफ़ी मतलब मैच्योर हुए उस चीज़ से। चैलेंजेस मैंने फेस किए, मैं पहली बार दिल्ली के लिए अंडर 16 खेला, तब जो लेवल ऑफ क्रिकेट है के लिए हमें तैयार होना चाहिए था, मतलब फिटनेस लेवल्स और आपका स्किल लेवल क्या होना चाहिए, मतलब क्रिकेटिंग माइंड कैसे काम करता है, वो मुझे वहाँ जाके पता चला। बस फिर अंडर 16 ख़त्म हुआ, हम फाइनल हार गए मुंबई से, तो उसके बाद के 4-5 साल काफ़ी स्ट्रगल रहा क्योंकि आगे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था कि दिल्ली से 19 वगैरह 23 खेलना थोड़ा सा टफ है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और जब आपको मौका मिला आपने अच्छा नहीं किया तो आप मतलब एक स्टेप और नीचे आ गए उनसे। तो बस वही चीज़ें थी दिमाग में कि जो भी है इसका बेस्ट यूज़ करना है, बस चीज़ों से सीखता रहा और लकीली मेरे को दिल्ली के लिए खेलने को मिला। उसका टर्निंग पॉइंट 2020 के उसमें उसने DDC लीग में 6 बॉल पे 6 मारे। शायद से 17th ओवर था, मैं खेल रहा था कुछ 56-57 में खेल रहा था, मैं बॉल देखता रहा मारता रहा ऐसा कुछ सोच के नहीं, बस जैसा इंस्टिंक्ट्स आए और मैंने करता रहा। पहली बार वो हुआ और दूसरी बार हुआ कोटला में, फिर 6 छक्के उनमें भी लगे तो काफ़ी अच्छा लगा कॉन्फिडेंस। तो तब से मतलब 2 टाइम रिपीट करना, 6 sixes मारना, तो तब से मतलब ज़्यादा स्पार्क था, ये पता चल गया था हाँ ये अच्छा करेगा। हम 23 खेल रहे थे तो वहाँ से मेरे पास कॉल आई कि आपका रणजी में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मैंने पिछले मैच में 160 बनाए थे, जो मैच मैं खेल रहा था उसमें मैंने 5 विकेट लिए थे और 75 नॉट आउट बनाए थे, तो तभी मेरे पास रणजी के मैनेजर हैं उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको इधर आना है। तो मैं वही गूज़बम्प्स थे, सुबह मेरे को पता चला टॉस से जस्ट 15 मिनट पहले कि हाँ भाई मैं डेब्यू कर रहा हूँ, और मेरे को फिर डेब्यू कैप दी ईशांत भैया ने दी मेरे को डेब्यू कैप, तो वो मेरे को बहुत अलग फील लगा कि मतलब जिनको मैंने TV पे देखा था, आज तक जिनके साथ प्रैक्टिस भी नहीं की थी, आज वो मेरे को टेस्ट कर ले रहे हैं, कट टू नाउ वो मेरे साथ दिल्ली कैपिटल्स में भी खेल रहे हैं।
बहुत अमेजिंग लग रहा है और बहुत एक्साइटेड है हम, क्योंकि दिल्ली का ही लड़का और दिल्ली के लिए खेलेगा, तो हम तो चाहेंगे अपने होम ग्राउंड पे वो रोर मचाए और हम तो यही चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा करे। तो ललित बॉल भी अच्छा डालता है, बैटिंग भी अच्छा करता है, 3-dimensional प्लेयर है। हम में कुछ अलग है इसलिए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं।